99% लीडर्स अपने सेमिनार्स, अपने लेक्चर्स में शेयर नहीं करते, राज रखते हैं कि किस तरह से सलाम दुआ को बेहतर अंदाज तक पहुंचाया जाए। इसमें हाँ और ना नहीं है। मैं आपके साथ ये बिल्कुल नहीं शेयर कर रहा कि सोनू शर्मा एक अच्छे, एक उम्दा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनकी रैंकिंग, यानी कि उनके चैनल की ग्रोथ किस तरह से फैली। दिसंबर 2022 एक शॉर्ट सी स्टोरी, जैसे ही KH सहाफत चैनल का आगाज हुआ, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो, चैनल का आगाज होने के बाद यहां से आवाज आई, चैनल को बंद कर दो, वहां से आवाज आई, इंटरनेट चला गया, वहां से आवाज आई, व्यूज नहीं आ रहे, वहां से आवाज आई, चैनल को बंद कर दो, चैनल पे ऑडियंस नहीं आ रही। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अंदाज से, एक ही सिंपल और बिल्कुल आगाज से सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पैगाम शेयर किया और आहिस्ता आहिस्ता चैनल की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। मेरा SEO पे चैनल YouTube खुद सजेस्ट करने लग गया, यानी कि मुझे कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरा YouTube चैनल खुद ही चला रहा है। किस तरह से चला रहा है? कोई मैंने ट्रिक यूज की, कोई टिप यूज की? नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ना ही कोई ट्रिक है व्यूज की, ना ही कोई टिप आपके साथ शेयर करूंगा। ये जरूर शेयर करूंगा, नाइक कंपनी का कोट, जस्ट डू इट। तो जैसे ही हम सिर्फ और सिर्फ आगाज लेते हैं, सिंपल आगाज लेते हैं और रेगुलर कॉन्स्टेंट आगाज लेते हैं, तो हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस चैनल की रैंकिंग अगर आपके साथ शेयर करूं तो सोनू शर्मा की रैंकिंग को भी नीचे कर दिया और KH सहाफत मोटिवेशनल स्पीकर की रैंकिंग हायर हायर और हायर, यानी कि रैंकिंग तो बढ़ रही है, ऑडियंस तो बढ़ रही है, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द शेयर हो सके। अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।